आज मैं मैक्रोनी टिक्का बनाने लगी हूँ। ये पिज्जे की तरह ही होगा, नीचे मैक्रोनी की लेयर, ऊपर टिक्का और चीज, और ये ऑलिव्स, बीच में व्हाइट सॉस, ये चीजें इसमें डलेंगी केचप डाल के। बहुत अच्छा, बहुत मजे की और डिफरेंट ये एक रेसिपी है। 250 ग्राम मैंने चिकन बोनलेस लेके, इसको हाफ हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, नमक, और मैंने डाल दिया था लेमन, थोड़ा सा डाल दिया था, लहसुन अदरक जो है वो भी हाफ हाफ टी स्पून। ये मैंने 1 घंटा पहले मैरिनेट करके रखा है। 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के अब इसको मैं पका लूँगी। ये लें जी, ये टिक्के तैयार हो गए हैं, और अब मैं सब लेयर्स आपके सामने लगाऊंगी, तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये 2 कप मैंने मैक्रोनी बॉयल कर लिए थे, अब इसके ऊपर ये सॉस जो है ये मैं डालूंगी। ये लें जी, पहली लेयर मैंने मैक्रोनी की लगाई है, उसके बाद व्हाइट सॉस डाली है, और ये जो है टिक्के हैं वो डाल के ऊपर चिली गार्लिक सॉस। अब ये चीज़ डालूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और एंड पे ये बाकी जो सब्जियां काट के रखी हैं वो। बहुत मज़े की ये डिश बनती है, ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर घर में बनाएं। ये शिमला जाएगी इसके ऊपर, कलरफुल सारी चीज़ें हैं, थोड़े टमाटर जाएंगे, ये प्याज थोड़ा सा जाएगा, स्वीट कॉर्न जाएंगे, इसका भी बहुत मज़ा आता है। ये सारी सब्जियां डाल के ऑलिव्स, और ये देखें कुछ मैंने टिक्के ऊपर डाल दिए हैं, और अब थोड़ी ओरिगैनो जो है वो स्प्रिंकल कर दूंगी, और बिल्कुल थोड़ी सी इस पर मैं डालूंगी और चीज़। ये बिल्कुल पिज़्ज़ा टाइप ही तकरीबन चीज़ है, नीचे मैक्रोनी और चीज़, ये सब चीज़ें डाल के बनाया मैंने। ये लें जी, हर चीज़ डाल दी है, ऊपर हल्की सी और चीज़ डाल दी है, और अब ये लो फ्लेम है, और ये चीज़ मेल्ट होने तक आप इसको पकाएंगे, 4 से 5 मिनट लगेंगे। ये लें जी, माशाल्लाह 5-6 मिनट के बाद ये देखें, बेहतरीन मैक्रोनी टिक्का पिज़्ज़ा, बहुत मज़े का और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, और आप ज़रूर ट्राई करेंगे, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। अगर नहीं पसंद आती तो फिर भी बताएं, ताकि मैं आगे से ज़्यादा अच्छी बना सकूँ। मेरे चैनल पकवान को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अल्लाह पाक आपको अपने नेक इरादों में कामयाब करें।